सो हेलो एवरी, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ माई न्यू ब्लॉग विद न्यू अपडेट। और ज़्यादा बारिश देख लो, आज तो कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि छत पूरी गिल्ली है, पूरी गिल्ली। ठीक है, कल मैं ये निकाल के गई थी, ये पूरा ख़राब, ये और ज़्यादा ख़राब। इनको ऊपर रख के गई थी ताकि सूख जाएं, ये और ज़्यादा ख़राब। और वो टेक्सचर तो पूरा देखो बिछ ही गया, पता ही नहीं लग रहा कोई टेक्सचर भी है कि नहीं। ये देखो, ये देखो, ठीक है वो देखो, ये अपडेट है मेरी छत के। अच्छा हुआ मैंने कल बनाए नहीं, ठीक है अच्छी बात है। क्ले पॉट साफ़ हो गया, मेरे डस्टिंग का कपड़ा भी साफ़ ही हो गया। बेचारा इतने देर से सफाई मांग रहा था, उसकी सफाई नहीं हो रही थी। और ये तो बारिश पता है कब हुई है? 4 बजे, 4 नहीं 3:30 बजे। और इतनी ज़्यादा धबड़ धबड़ वाली हुई है ना, जैसे मानसून में होती है प्रॉपर। मैं तो सो रही थी, मुझे तो बताया ही है कि बारिश आ रही है, बारिश आई थी। वैसे भी जो पता भी लग जाता तो मैं बचाने थोड़ी आती, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ तहस नहस था। सारी शेप्स मैं उल्टा पुल्टा के जो गई थी ना, भाई कल आऊँगी कुछ तो क्रम्बल हो जाएगी। कैसे बनाऊंगी यार मैं इतने सारा सब कुछ। मुझे बस यही हो रहा है, थोड़ा सा भी पता होता ना कि बारिश आएगी, मैं एक भी टेक्सचर ना बनाती और उसकी जगह मैं करती वीडियो रिकॉर्ड। अब फिर से अपडेटेड रहना पड़ेगा। पिछली मॉनसून तो रोज़ सुबह उठ के वेदर चेक करना, सोने से पहले वेदर चेक करके सोना, भाई बारिश तो नहीं है ये वो, ठीक है। न्यूज़पेपर में चेक करना बारिश कब है। हाँ खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, बाकी टेक्सचर्स में से डर्ट तो सारी ऐसी ही मुझे लग रहा है वेस्ट ही हो रही है। देखना इतनी सारी डर्ट थी और ये बची है ना, सारी देखो वहाँ चली गई होगी, वेस्ट होगी होगी। इसको कट्टे में ही फोल्ड करके रखती हूँ, एक डर्ट तो मेरी पूरी वेस्ट। और देखो इसके अंदर डर्ट पड़ी थी, मुझे लग रहा है पूरा खाली हो गया। ये भी मच्छर इतने ज़्यादा हो रहे हैं ना, अब मैं सोच रही हूँ डर्ट्स बनाना बंद कर दूँ क्योंकि मच्छर बड़े हो रहे हैं। टाइलें भी सारी वॉश हो गई है, मैं तो सोच रही थी सूख जाएगा और यहाँ ना सूखा पड़ा है। अभी मैं आई हूँ, कितने बजे? 6:30 बजे ट्यूशन से आई थी, चाय वाय पी थोड़ी, और 7 बज गए। फिर अब छत पे आई, मैंने सोचा यार व्लॉग बना ही लूँ। और अब ऐसा मौसम हो रहा है ना गर्मी वाला, हवा भी नहीं चल रही है। कल तो बारिश के बाद अच्छा मौसम हो गया था, देखो ये टेक्सचर कल फैलने था, आज पूरा फैल गया है। बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखा रही, हाथ धो के नीचे जा रही हूँ। मैं सोच कुछ खुरेद भी नहीं रही आज, क्या ही फ़ायदा खुरेद के, कल क्या हफ्ता और बारिश आ जाए। सो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। ये देखो एक डॉट यहाँ, इसमें, इन दो में, एक उसमें डॉट पड़ी है। बारिश आ रही तो वो निकल निकल के जा रही है, एक तो बस इसको फोल्ड करके रख दूँ। गुस्से में मैं चीज़ें भी नहीं फोल्ड करती, देखना कितनी तो वेस्ट हो गया। ये देखो, ये देखो, सूख जाएगा तो उतारूंगी। बाकी मैं सोचूं इनका भी पानी खाली कर दूं, और बारिश आए तो डॉट वेस्ट ना हो ना। इसमें से तो डॉट ही जाती है, पता नहीं क्यों।
ढक दूंगी इनको कल आके ना। आज कल तो स्लैब्स भी नहीं खराब हुई थी, आज स्लैब्स भी खराब है। बाकी छत साफ तो हो गई है, क्या करें अब यार। थोड़ा इधर इधर उधर का दिखा देती हूँ। इतनी बारिश आई है, पिछले साल का पड़ा ही रहता है, ये फैला नहीं अब तक। मतलब मेरे को लगा था बारिश आएगी तो सारा फैल जाएगा, ये देखो कितना पानी इकट्ठा हो गया। बहुत लोग पूछ रहे थे आप कहाँ रहते हो, सो मैं इंडिया हरियाणा में रहती हूँ। और एक क्वेश्चन और था कि सच्ची मुझे अब याद आया, एक क्वेश्चन और था कि आपके स्कूल से कोई आपको देखता है और कोई आपकी वीडियोस वॉच करते हैं, आप अपने स्कूल में तो फेमस होंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। सो जी नहीं, मेरे स्कूल में किसी को नहीं पता कि अंशुदा इसमार उनके स्कूल में पढ़ती है यार, उनको पता ही नहीं है बात। अच्छा तो ये उनको पता नहीं है, और कोई मुझे जानता भी नहीं है, ना मैं फेमस हूँ, जानता नहीं तो फेमस कैसे होंगी। बाकी अगर जो कोई ASMR लवर होगा, क्रमलिंग लवर होगा, वो मुझे देखता होगा, मतलब वो मुझे नहीं या तो फिर किसी और ASMR को देखता होगा, तो उसको अगर जो पता चले कि मैं मेरा भी एक चैनल है और मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ, सो आई थिंक वो डेफिनेटली मेरे पास आएगा, मुझे बताएगा। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कोई फॉलो भी करता होगा इस चीज़ को देखता होगा, ठीक है, इस चीज़ को देखना पसंद करता होगा, बाकी मुझे लगता तो है नहीं। पर हाँ, बस मेरी एक फ्रेंड देखती है, उसको भी मैंने ही बताया, वरना वो भी नहीं देखती मुझे, बस उसको मैंने ही बताया बस। और मेरी पिछली स्कूल की दो फ्रेंड है, उनको भी पता है, मैं उनका नाम भी ले देती हूँ, दिशा और सरगम। वो देखती थी तब, उनको पता है, वो देखती नहीं है, उनको जस्ट पता है कि मैं क्या करती हूँ ये सब, क्योंकि वो मेरे घर पर आई हुई हैं। और एक मेरी इस फ्रेंड को पता है जो कि मेरी नेबर है, इसको मैंने हाल ही में ही बताया, अभी नया, इसको भी नहीं पता था। ये सोचती होगी पता नहीं क्या करती है, सारे दिन छत पे कभी चुन्नी लपेट के घूमती रहती है, टब उठाती है, कभी कभी मतलब ऐसा कुछ सोचती होगी। तो मैंने इसको खुद से ही बता दिया, उसको तो ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी, ठीक है। और जो मेरी इस स्कूल की फ्रेंड है जिसमें मैं अब पढ़ रही हूँ, उसको तो है इंटरेस्ट, वो पूछती है अंशिका व्यूज़ कितने हैं, ठीक है, सब कुछ पूछती है। और क्या कहते हैं, हाँ उसको भी इंटरेस्ट है कि तेरे को कमेंट्स कैसे आते हैं, मैं तेरे कमेंट्स सेक्शन में देखती हूँ, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, व्लॉग देखा था तेरा, ये वाला व्लॉग देखा था, वो वाला व्लॉग देखा था, बस वो, बाकी बस इतना ही। बाकी इस स्कूल में भी मेरी फ्रेंड थी, मेरा लास्ट थर्ड स्कूल था ये वाला, इस पे जो मेरी फ्रेंड्स थी वो ऊपर वाले उसमें होती थी, ऊपर वाले फ्लोर पे उनकी क्लासेस होती थी, तो वो उस छत पे, मतलब वो गर्ल्स वॉशरूम ऊपर है ना, तो वो वहाँ पे आके देखती थी, मतलब आती थी। मतलब मैं जब उस स्कूल में थी तब मैं ये काम नहीं करती थी, मैं बहुत छोटी, मैं सिक्स्थ में थी स्कूल में, सिक्स्थ में थी जब मैं स्कूल में थी, तब मैं ये काम करती नहीं थी। सेवन्थ में मैंने स्टार्ट किया, सिक्स तो वैसे लॉकडाउन में गई, सेवन्थ में मैंने स्टार्ट किया ये सारा काम। हाँ सेवन्थ में स्टार्ट कर दिया था, सेवन्थ में मैं प्रो हो गई थी एक तरह से, ठीक है। तो फिर ये देखते थे क्योंकि सेवन्थ जो क्लास है वो उसी फ्लोर पे है, सेवन्थ भी उसी फ्लोर पे और एट्थ भी, तो दो साल ना मेरी फ्रेंड्स को बड़ी क्यूरियोसिटी रही इस स्कूल की फ्रेंड्स को कि ये क्या करिए, क्योंकि उनको नहीं पता था, ठीक है। फिर नाइन्थ में ये नीचे हैं क्लासेस ग्राउंड फ्लोर वाली, नाइन्थ, अब टेंथ भी नीचे ही है, तो बस यही, अगर जो अब तक होती तो वो पक्का कॉन्टैक्ट करके पूछती कि यार ये तूने छत पे क्या बर्तन से सजाए हुए हैं। बस इतनी एक छोटी सी स्टोरी, मैंने एक क्वेश्चन के पीछे पूरी स्टोरी बता दी सारी। आई होप यू लाइक, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी शुड ऑल्सो कमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब टू माई बोथ द चैनल्स इफ़ यू डोंट हैव सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।